आने वाले 2023 में गुलबर्गे के अंदर जेडीएस का ताकत बताना बहुत जरूरी है। तो बीजेपी सरकार जो है यहाँ पर नए नए कानून ला के आवाम को परेशान कर रही है और महंगाई बढ़ा रही है और GST लगा रही है, ये तमाम के बारे में जो है कल इसका जवाब कुमार राणा जो है स्टेट से देंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, आज ये दो पार्टी वाले आज गुलबर्गे के अंदर आग खोल के बैठे है JDS का क्या हो रहा है भाई बोल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो, नमस्कार। आज गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 30 तारीख को कल HD कुमार स्वामी साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम साहब और हमारे एक्स मिनिस्टर और बीदर साउथ MLA बंडप्पा काशमपुर साहब और तमाम हमारे लोकल के पूरे सीनियर लीडर्स, हमारे नासिर उस्ताद साहब, हमारे जो जो सेडम चिंचोली आलंद के जो कैंडिडेट्स जो फाइनल किए, ये पूरे लोग तमाम और हमारे पार्टी के सीनियर नेता श्यामराव सुरन साहब, हमारे यूथ अध्यक्ष हमारे अलीम इनामदार साहब और हमारे अफजल भाई हमारे पार्टी में अली में ज्वाइन हो गए और पूरे यहाँ पे जो हमारे पार्टी के जो डिफीटेड कारपेटर्स और पूरे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हो के आज एक इतिहास में एक गुलबर्गा दक्षिण के अंदर आज एक इतिहास का एक प्रोग्राम हो रहा है कल आने वाले दिनों में। आज मैं ये आपके सोशल मीडिया के ज़रिए मैं पूरे आवाम को और पूरे गुलबर्गे के आवाम को मैं दावत देना चाहता हूँ, कल गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वीर शैव कल्याण मंडप के सामने एक बहुत बड़ा समावेश हम लोग ने कर रहे हैं पार्टी के तरफ से और मेरे नेतृत्व में। आने वाले 2023 में गुलबर्गे के अंदर JDS का ताकत बताना बहुत ज़रूरी है। आज गुलबर्गा साउथ के अंदर हम कल बताएंगे गुलबर्गा में JDS का क्या ताकत है बोल के कल साउथ के अंदर हम लोग बताएंगे। और मैं आज पूरे तमाम मेरे पार्टी से जो जुड़े थे लास्ट टाइम, कई लोग पार्टी छोड़ के गए, वो लोगों को भी मैं दावत देता हूँ, आइए हमारे पार्टी को हम मजबूत करेंगे। और कई अभी BJP कांग्रेस के लीडर्स, कई चेयर मेंबर्स, हमारे ग्राम पंचायती मेंबर्स, कई एक्स कॉरपोरेटर्स, MIM के कई एक्स कॉरपोरेटर, डिफीटेड कॉरपोरेटर्स, ये पूरे लोग कल कुमार स्वामी साहब के नेतृत्व में मेरे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इधर JDS में। और तमाम कल एक ऐतिहासिक प्रोग्राम रहेगा, मैं आपके सोशल मीडिया के ज़रिए बोलना चाहता हूँ, जो कल के जो हमारे साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी अभी MSK मिल में और 3 वार्ड जो हमारे मेजर मेरे मुसलमान भाई पूरे माइनॉरिटी वोट बैंक जो है उधर आज बैकवर्ड है और फॉरवर्ड कम्युनिटी के है, आज हमारे रड्डी समाज के पूरे लोगों को मैं आज सोशल मीडिया के ज़रिए दावत देना चाहता हूँ, कल आके मेरा हाथ मजबूत करना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों का, मैं पार्टी के तरफ से मैं खिदमत करूंगा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये आज कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी, आज ये दो पार्टी वाले आज गुलबर्गे के अंदर आग खोल के बैठे हैं JDS का क्या हो रहा है भाई बोल के। मेरे को कई कांग्रेस के कई BJP के लीडर्स फ़ोन करे, ये क्या कर रहे तुम, पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे ना बोल के। आज से हम कल जो पार्टी कुमार स्वामी साहब आने के बाद जो हम लोगों ने साउथ के अंदर जो संकल्प कर छोड़ रहे हैं, ये संकल्प रहेगा 2023 के इलेक्शन तक पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के कई लीडर्स जुड़ रहे हैं, जुड़ाना है। ये हम पार्टी के हमारे नासिर उस्ताद साहब, हमारे लोकल के सीनियर लीडर, एक्स माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे कोर कमेटी मेंबर, आज हमारे नासिर उस्ताद साहब का भी मेरे को बहुत सपोर्ट रहा इसमें, मेरे को हर इसमें एक बड़े भाई के तरह उन्होंने मेरे को पूरे सलाहें देते हुए कार्यक्रम को उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किए, मैं उनको भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अलीम इनामदार साहब मेरे साथ जुड़ के टाइम दे रहे, हमारे अफजल भाई, तमाम हमारे कलीम एडवोकेट साहब, तमाम जो भी हमारे श्यामराव सुरन साहब, पूरे मेरे पार्टी के जो भी सीनियर है, आज JDS को मजबूत करने के लिए पूरे लोग मेरे साथ जुड़ के आज रात दिन मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज जो है हमें बहुत हमारे खुशी का दिन है, मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि भाई अदबन रतीब अपील करता हूँ कि भाई गुजारिश करता हूँ आप तमाम लोग
यहाँ पर आइए और इस फंक्शन को सक्सेस करिए, क्योंकि स्टेट के अंदर जो कंटिन्यू डे बाई डे जो बीजेपी सरकार जो है यहाँ पर नए नए कानून ला के आवाम को परेशान कर रही है और महंगाई बढ़ा रही है और GST लगा रही है, ये तमाम के बारे में जो है कल इसका जवाब कुमार राणा जो है इस स्टेट से देंगे। और आने वाले दिनों में कुमार स्वामी साहब जब CM बनेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तमाम आवाम की जो भी सहूलत है इसके ऊपर कुमार स्वामी साहब जो स्टे करके आवाम को जो भी फैसिलिटीज़ होती अच्छी सहूलत देने का काम करेंगे बोल के आपकी इसकी मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। और नौजवानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आज के हालात के ऊपर नौजवान तबका जो है आप लोग आके एक जो संकल्प मिशन 123 जो कुमार स्वामी साहब जो लिए हैं उसको मजबूत करके आने वाले दिनों में आवाम का जो मतलब जो आवाम के जो अच्छा आवाम को सहूलत देने का जो काम कुमार स्वामी साहब कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ ठहरना चाहिए बोल के आपकी मीडिया के थ्रू अपील करता हूँ। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೀರಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ JDS ಅಲ್ಲದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮಾಮ್ ಎಲ್ಲ 9 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸುರನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳ ಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.